गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू शांतिकुंज ऑनलाइन क्लासेस। सो चिल्ड्रन, टुडे वी लर्न अबाउट चैप्टर नंबर 3, फाइबर 2, फैब्रिक एनिमल फाइबर्स। एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ते हैं। एनिमल फाइबर यानी वूल एंड सिल्क। हेयर ऑफ सर्टेन एनिमल कैन ऑल्सो बी यूज फॉर मेकिंग क्लोथिंग मटेरियल्स। तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनके हेयर का यूज़ हम करते हैं, जिनसे हम क्लोथ्स भी बनाते हैं और भी बहुत सारी यूजफुल चीज़ें हम बनाते हैं। वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स। वूल यानी कि ऊन और सिल्क हमें एनिमल से मिलती हैं। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एनिमल फाइबर, और फाइबर फ्रॉम एनिमल्स, इसीलिए इनको एनिमल फाइबर कहते हैं या फिर एनिमल ऑफ एनिमल से मिलने वाली फाइबर। फर्स्ट वन इज वूल। वूल इज कॉमनली ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप, गॉट, याक, रैबिट एंड कैमल्स। तो ज़्यादातर जो ऊन होती है वो हमें शीप यानी भेड़, बकरी, याक, रैबिट और कैमल्स, ऊंट वगैरह से मिलती है। दीज एनिमल आर देयरफॉर कॉल्ड वूल यील्डिंग एनिमल, और इसीलिए इनको हम वूल यील्डिंग एनिमल्स कहते हैं, ऊन देने वाले एनिमल्स कहते हैं। ऑल दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। ये सारे जो एनिमल्स होते हैं इनके बॉडी पर हेयर होते हैं। वाई, क्यों? वूल फाइबर इज़ हाईली पोरस। जो वूल फाइबर होती है वो बहुत ज़्यादा पोरस वाली होती है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा छेद छेद से होते हैं। द ईयर इन द पोर्स एक्ट एज एन इंसुलेटर, और जो पोर्स होते हैं उनसे निकलने वाली जो ईयर होती है वो इंसुलेटर की तरह वर्क करती है। एंड डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू गो आउट, और इसीलिए जो बॉडी की हीट होती है उसे बाहर निकलने से रोकती है। दस हेयर ऑन द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स कीप देम वार्म ड्यूरिंग कोल्डर कंडीशन, और इस तरह से इनके जो हेयर होते हैं वो ठंडे मौसम में इन्हें गर्म रखते हैं। वूल इज़ यूज फॉर मेकिंग विंटर क्लोथिंग। वूल का यूज़ हम सर्दियों के मौसम में क्लोथ्स बनाने में करते हैं। वूल यील्डिंग एनिमल्स। वूल इज़ ऑब्टेन्ड मेनली फ्रॉम सेवरल ब्रीड्स ऑफ शिप। तो वूल ज़्यादातर हम कुछ विशेष प्रकार की शिप होती हैं उन ब्रीड से ही निकालते हैं। इन एडिशन, और इसके अलावा सम ब्रीड्स ऑफ गॉट लाइक अंगोरा, कश्मीरी एंड मोहायर एंड द याक, कैमल, अंगोरा रैबिट, लीमा, अल्पाका ऑल्सो प्रोवाइड वूल। तो इस तरह की कुछ ब्रीड्स होती हैं स्पेशली जिनसे वूल मिलती है, यह है अल्पाका, गॉट, अंगोरा रैबिट, अरेबियन कैमल, कश्मीरी गॉट। इसके अलावा चिल्ड्रन यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है इंडियन ब्रीड ऑफ शिप्स की। तो यहाँ पर उनका नेम दिया हुआ है, फिर यहाँ पे क्वालिटी ऑफ द वूल एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन। आपको करना क्या है, आपको होमवर्क में ये पूरी टेबल बनानी है। जैसे रामपुर बुशैर, तो इससे कैसी वूल मिलती है हमें, ब्राउन फ्लीस, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में है। इसी तरह से बाकी के भी हैं। तो बच्चों ये सारे आपको होमवर्क में करना है। फ्रॉम फाइबर टू वूल। इन द फॉलोइंग सेक्शन यू विल लर्न अबाउट द जर्नी ऑफ द वूल फ्रॉम द रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ द वूल यील्डिंग एनिमल सच एज शीप ऑन द फाइनल फिनिश्ड वूल। तो इस चैप्टर में या इस सेक्शन में हम यही पढ़ेंगे कि हमें कैसे वूल की जर्नी स्टार्ट होती है और किस तरह से वूल हम लोग फाइंड करते हैं। गेटिंग वूल फाइबर फ्रॉम शीप और इन जनरल एनी वूल यील्डिंग एनिमल इन्वॉल्व द स्टेप गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। तो चलिए पढ़ते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे स्टेप होते हैं। जैसे फर्स्ट वन है रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। तो यहाँ से हम पहले तो शीप पालन करते हैं, फिर शेयरिंग, उनके बाल उतारने को शीप शेयरिंग बोलते हैं, वॉशिंग एंड स्कोरिंग, फिर जो बाल उतारे जाते हैं उनकी सफाई की जाती है, फिर शॉटिंग, उसमें से जो अच्छे रेसे होते हैं उन्हें निकाल लिया जाता है, उनकी छटाई की जाती है, फिर है कॉर्डिंग। कॉर्डिंग के थ्रू भी हम जो बाल होते हैं वो अच्छे अच्छे बाल जो होते हैं उसे एक साइड रख लेते हैं, और जो थोड़े मोटे होते हैं उन्हें अलग कर लिया जाता है, फिर डाइंग, उनको कलर किया जाता है, फिर उसके बाद स्पाइनिंग एंड वीविंग, फिर उसके बाद में कताई बुनाई स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ स्टेप हैं जिनके थ्रू पूरा प्रोसीजर होता है।
तो बच्चों अब आपको पता चल गया आपका होमवर्क क्या है। आपको होमवर्क में ये शिप की लिस्ट बनानी है, साथ ही ये जो स्टेप दिए हुए हैं ना, ये लाइन वाइज स्टेप लिख लेने हैं, ठीक है। 7 स्टेप हैं, इन 7 स्टेप्स को लिखना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।